एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों ही पक्षों की तरफ से केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि बिहार में जातिगत जनगणना होना चाहिए, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें उनका अधिकार मिल सके। या फिर उनका ये भी कहना है कि कोई भी योजना, चाहे वो ओबीसी के लिए हो या फिर एससी एसटी के लिए हो, जब बनाई जाती है तो उसका आधार जनगणना ही होता है, इसके लिए जातिगत जनगणना करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसे नकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि सिर्फ एससी एसटी के लिए जातिगत जनगणना हो सकती है, ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मांग अभी भी उठ रही है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, आप सुनिए। फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं, 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूँगा कि भाई हम लोगों का है और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हमारी तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने कहा है कि 90 के दशक से ही ये बात चल रही है और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मैं दोहरा रहा हूँ कि जातिगत जनगणना करवाना पूरे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जातियों से आने वाले गरीब तबके के लोग जो हैं उनका भला हो पाएगा। और कोई भी योजना जब सरकार बनाती है तो उसका आधार जनगणना ही होता है, जनगणना के आधार पर ही पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं और किन्हें कौन सी सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल इसे लागू करने से इनकार कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मसले में क्या कुछ हो पाता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।